भी बहुत हेल्पफुल साइड है वोटर्स के लिए, स्पेशली उसकी फुल फॉर्म भी नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल है। इसमें आप पहले गूगल में जाके nvsp.in करेंगे तो वो आपको देख उसमें ऑलरेडी दे देगा http.nvsp.in। उसको अगर आप क्लिक करोगे तो एक होम पेज खुलता है, उस होम पेज में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, कॉन्टैक्ट, हेल्प, लॉगिन एंड रजिस्टर। और एज इफ हमारा उसमें रजिस्टर नहीं हुआ है तो उसमें नीचे ऑप्शन देता है कि प्लीज़ रजिस्टर, तो आप उसको क्लिक करोगे, जैसे ही एक पेज और ओपन होगा तो उसमें आपसे 2-3 मिनट बाद जब आपके पास OTP आ जाएगा, आप OTP डाल के उसमें आप अपना एपिक नंबर, नेम, रजिस्ट्रेशन, लॉगिन के लिए जो जो इन्फॉर्मेशन मांगेगा वो आप कर सकते हैं। एपिक नंबर, ये एपिक नंबर दिया हुआ है जो आप लॉगिन करेंगे, जिससे आपकी ID जो ये वेरीफाई होगा, ये ID और ये बारकोड के बगल में दिया हुआ है। फिर आप अपना, अगर आप कभी मिसप्रिंट हुआ है कोई नेम, प्रोफाइल पिक्चर या मतलब, तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, उसके ऑप्शन भी वहाँ पे पहले आपको दिए हुए हैं, इसे आप चेंज कर सकते हैं। नमस्कार, आज हमें अपने कॉलेज में NVSP के बारे में बहुत अच्छी से जानकारी प्राप्त हुई। इसे अब हम अपने घर में भी लागू करेंगे और इसकी शुरुआत हम अपने पेरेंट्स से करेंगे, उसके साथ अपना भी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। थैंक यू।